पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए कबड्डी स्टार अजय ठाकुर प्रो कबड्डी शुरू होने से पहले माता श्री नैना देवी के दरबार में नवरात्र पूजन के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर से चंडीगढ़ में उनकी टीम का कैंप शुरू हो रहा है और इससे पहले वे माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे माता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है तो वे माता का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस बार दबंग दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं और 3 साल के बाद उन्होंने अपनी टीम बदली है। मैं जब भी हमारे कोई भी गेम या टूर्नामेंट कभी होता है तो मैं माता का आशीर्वाद शुरू से लेते आया हूँ। मैं आज जहाँ भी जिस पोजीशन पे हूँ, मेरे पे माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा रही है, असीम कृपा रही है। तो अभी हाल ही 23 तारीख को हमारा जो अक्टूबर 23 को हमारा जो टूर्नामेंट है उसका जो कैंप है वो चंडीगढ़ में आरम्भ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो दोबारा माता के चरणों में जाया जाए और अपनी जो कुशल मंगल माता अपनी दया दृष्टि हमारे पे बनाए रखे उसके लिए हम यहाँ पे आज माथा टेकने के लिए आए थे। और दिसंबर 22 से जो प्रो कबड्डी के मैचेस हैं वो शुरू होंगे और फिर देखते हैं किस तरीके का हमारा सीजन रहता है, किस तरीके का हम लोग हमारी टीम प्ले कर पाती है। तो बस हमारे ही मेरा जो जितने भी हमारे जो फैंस हैं या कुछ लोग हमें देख रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे काफ़ी सालों के बाद मेरी टीम चेंज हुई है। तमिल थलाईवास में मैं रेगुलर 3 सीजन खेला हूँ तो अब मैं न्यू दबंग दिल्ली में हूँ, मेरी न्यू टीम है। तो मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अपना प्यार और अपनी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। जय माता दी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए श्री नैना देवी से राकेश गौतम की रिपोर्ट।